मेरी जान, अपने मोबाइल की स्क्रीन को किस तरह से हम मैग्नीफाई कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। बेसिकली ये यूट्यूबर के लिए बहुत ही काम का फीचर हो सकता है, क्योंकि जब भी आप कोई ट्यूटोरियल बना रहे होते हो तो आप किसी चीज़ को नुमाया करके यहाँ पर दिखा सकते हो जस्ट एक टैप। जैसे ही मैंने इस प्लस के आइकन पर क्लिक किया है, आशी रिकॉर्ड पर मैंने क्लिक किया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आशी रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर नुमाया हो गया है, बिल्कुल वाज़े तौर पर हमें नज़र आ रहा है। तो जो भी मेरे भाई ट्यूटोरियल बनाते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन को रिकॉर्ड करके, उनके लिए तो ये वाला फीचर यार बहुत ही कमाल है। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे कि आपको नुमाया करना है, जैसे कि यहाँ पर इरफानुल्ला है, इसकी जो आईडी है उसको अगर मैंने यहाँ पर दिखाना है, नुमाया करना है, तो मैं इसको सिंपली एक टैब से यहाँ पर दिखा सकता हूँ। अब बात करते हैं कि मैंने इस ऑप्शन को कहाँ से इनेबल किया है। तो सिंपली आपने चला जाना है अपनी जो भी मोबाइल की सेटिंग है, सेटिंग पर क्लिक करना है, जहाँ से आपने चला जाना है एक्सेसिबिलिटी में, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और मैग्नीफिकेशन का यहाँ पर आपको एक टैब मिल जाएगा, ठीक है। इसको आपने क्लिक करना है, यहाँ पर आपने इसको ऑन कर देना है, ठीक है। अब ऑन करने के बाद कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पर आपको एक प्लस का आइकन मिल रहा है, इसको आप कहीं भी छोड़ सकते हो। जैसे कि मेरे स्क्रीन पर एक मैसेंजर की एप्लीकेशन है, मैं चाहता हूँ कि वो जूम होकर आए और फिर जूम आउट हो जाए, ठीक है। प्लस के आइकन पर क्लिक करूँगा, इस एप्लीकेशन पर टैब करूँगा, ठीक है, ये जूम हो गई है। अब जूम आउट करना है तो सिंपली इस प्लस के बटन पर क्लिक करूँगा और फिर वो जूम आउट हो जाएगी। तो जो भी मेरे भाई ट्यूटोरियल बनाते हैं तो उनके लिए तो ये वाला जो कमाल का फीचर है भाई, इसको यूज़ करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।